हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरा किचन में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज है नया साल, तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। जो मेरा व्यूअर भाई बहन है सब्सक्राइबर, उनको हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज हम जाते हुए साल में भी मीठा बनाए थे, अभी आते हुए साल में भी आज हम कुछ मीठा बनाने वाले हैं। तो जाते हुए साल में भी मीठा खाना चाहिए और आते हुए साल में भी मीठा खाना चाहिए। तो हम मीठा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो हम मीठा में आज जा रहे हैं पुआ बनाने। तो पुआ बनाने के लिए हम एक कटोरा भर के बड़ा कटोरा से मैदा ले लिए हैं, छोटा कटोरी से एक कटोरी चीनी ले लिए हैं, थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू बादाम, और चीनी हम लास्ट में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। और हलवा बनाए थे इसमें केला डाल के बनाए, हम बिना केला के बना रहे हैं क्योंकि धान के पापा को केला पसंद नहीं है, इसलिए हम बिना केला के बना रहे हैं। और मैदे के दूध में इसका मैदा के पेस्ट बनाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको ज़्यादा ऐसे करके फेंट दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो इसको मिला के 4 घंटा छोड़ दीजिए, टाइम कम है तो अच्छा फेंट के डायरेक्ट ही बना दीजिए। तो अभी मेरे पास टाइम है, आधा घंटा ये आटा को छोड़ देंगे हम मिक्स करके। तो आधा घंटा हो गया, तो अब इसमें हम चीनी मिला रहे हैं, मैदा से आधा हम चीनी मिलाए हैं, चीनी के डबल मैदा डाले हैं। तो ये ड्राई फ्रूट है, इसको भी हम मिला देते हैं, इसको हम पहले नहीं डाले कि किशमिश है ना नहीं फट जाएगा इसके लिए। और चीनी पहले नहीं डाले कि चीनी डालने से पानी निकलने लगता है। तो अब कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें डाले तेल, तो हम चेक करते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। तो हम गरम तेल में एक एक करछुल डाल के अभी ज्यादा गरम नहीं हुआ है, थोड़ा गरम हुआ है। तो ज्यादा गरम होगा तो डालते कि पुआ ऊपर आ जाएगा। तो जितना बड़ा छोटा पुआ चाहिए वही हिसाब से करछुल ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, एक एक कटोरा डालते जाइए। तो मेरा जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हम एक करछुल डाल रहे हैं। तो एक साइड हो गया है, अब हम इसको दूसरे साइड पलट लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर मेरा पुआ का आया। अब इसको हम जब दोनों साइड पक जाएगा तो इसको चाट के तेल इसमें से निकाल देंगे। रेडी हो गया है तो इसको हम चाट के तेल निकाल लेंगे, 2 छोलनी ले लेंगे, अच्छी तरह से चिपका के चाप के इसका हम तेल निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको तेल निकाल लिए। अब इसी तरीके से हम बचे हुए हैं पेस्ट, इसको भी हम पुआ बना लेंगे। बताएगा तो नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग का तरीका बनाने का अलग होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नया साल में मेरे लिए कुछ नया आप लोग करिए। तो मेरा जो नए लोग है मेरा सब्सक्राइब करें, नया साल में नया लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब जो लोग कर लिए हैं वो लोग शेयर करें वीडियो को और मेरा हेल्प करिए। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर दिल से। तो आप लोग जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए वो लोग मेरा हेल्प करिए। Cool.
ये बन गया है। अब इसको दूसरे साइड पलट लेते हैं। तो मेरा पुआ बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ, तो आप लोग खा के टेस्ट करके बताइए कैसा लगा मेरा पुआ। ये पुआ भी बन के तैयार हो गया। अब इसको भी हम तेल चाँप के निकाल लेंगे। इसमें से तेल निकाल देंगे तो सूखा सूखा हो जाएगा, अच्छा लगेगा खाने में। तेल इसी में छोड़ देंगे तो चिप चिप हो जाएगा, इसलिए इसका तेल निकाल लेते हैं। मेरा फैमिली छोटा है तो हम थोड़ा ही बना रहे हैं। आप लोग का फैमिली जो लोग को बड़ा होगा वो बहुत ज़्यादा बनाए। आप फैमिली के साथ इंजॉय करें, खुश रहे, मजे करें। नया साल के एक साथ बैठ के खाएं पूरा फैमिली। मटन पुआ खाने में मजा आता है। हाँ, आज हम लोग के घर में मटन छोड़ लो। तो मेरा सारा पुआ बन के रेडी हो गया है, आप लोग खा लीजिए। तो देखिए मेरा सब पुआ बन के रेडी हो गया। बहुत ही सुंदर पुआ बना है, इतना सुंदर बना कि इसका हम रूप देखते रहे। खाने का मन ही नहीं कर रहा। मन करने से अच्छा देखने में मजा आ रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप वीडियो को मेरा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अब फिर जाते जाते बोल रहे हैं कि नया साल में मेरे ऊपर दया करिए। आप उसके साथ क्या क्या खाए, चैनल के सब्सक्राइब करिए। आई पुआ के आप मटन के साथ खाइए, चिकन के साथ खाइए, भेज है तो आप पनीर के सब्जी के साथ खाइए। सब्जी नहीं अच्छा लगता है तो खाली खाइए, इसे भी स्वीट है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में।